मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं। कोई इसको हार्ट अटैक बता रहा है, जिस तरह से आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है तो कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि हुई है, तो वहीं तमाम लोग जो इस मौत को आम मौत नहीं बल्कि एक साजिश या यूं कहें हत्या तक का आरोप लगा दे रहे हैं। लेकिन इस बारे में क्या कहना है काशी के मुस्लिम समाज का, जो अभी रमजान के पाक महीने में जुमे के दिन जुमे की नमाज अदा करके ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर आई है, निकली है। तमाम मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेके, और आप क्या मानते हैं ये एक हार्ट अटैक से मौत हुई है या क्या इसके पीछे कोई साजिश है? देखिए, ये सब जांच का विषय है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसके जांच के विषय होगा। और जैसे कि उनके ये होता रहा कि पॉइजन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा, वो दिया जा रहा, तब वो परिवार है, परिवार उसके ऊपर FIR कराए या कुछ कराए। और हमारे क्या जो है, ये तो है कि जो पैदा हुआ उसको मरना है। मुख्तार अंसारी जो आजीवन कारावास की 2 बार सजा उनको हो चुकी है, और उनको एक बात रहता है कि चाहे 5 साल 10 साल 8 साल की सजा होती रही तो उससे ही रहता रहा कि हम कुछ राहत रहता था, लेकिन आजीवन कारावास का मतलब है कि ज़िंदगी भर जेल में रहना है, और जेल ही में उनको जो है ख़त्म भी होना है, क्योंकि अब बाहर आना नहीं आया। पहले ही था रहा कि 20 साल की सजा होने के बाद काट के लोग निकल आते रहे, लेकिन अब आजीवन कारावास का सजा है कि मतलब पूरे ज़िंदगी भर ताउम्र रहना है। तो ऐसे में उनकी मौत, और हमें, हम देखिए मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम ये मानते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो उसकी उम्र ऊपर वाला लिख देता है कि कितना दिन इनको जीना है। कोई 61 साल जी, आज 61 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन ये बताइए, काशी का जो मुस्लिम समाज है इस पूरे घटना को किस तरह देख रहा है, ये बताइए। काशी का मुस्लिम समाज से क्या रहता है, एक 5 बार के विधायक हैं, 5 बार के विधायक रहे, वो अपनी एक गुहार कर रहे थे कि हमको हमारे जो है हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और मैं माननीय न्यायालय से कहना चाहता हूँ, देश के न्यायालय से कहना चाहता हूँ कि कम से कम चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर उसको जेल में तकलीफ है, तबीयत खराब है, तो हम माननीय न्यायालय से कहना चाहते हैं कि उनको, अगर उनके परिवार के लोग अच्छे जगह डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं, तो माननीय न्यायालय उनको दिखाने की अनुमति दे। पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी भाई, पुलिस कस्टडी यहाँ भी रहेगी, जेल में भी रहेगी, वहाँ भी रहेगी। बहुत से लोग हैं, जैसे कि इंसान सुभाष ठाकुर अभी बनारस में कितने दिन से इलाज करा रहे हैं, वो भी तो आप सोचिए कि कितने बड़े वो है, लेकिन उनको इलाज के लिए तो उन्होंने भी इलाज करने के लिए उनको भी तो माननीय न्यायालय ने दिया अनुमति दिया होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब दिया जाए, कोर्ट द्वारा जो है दिया जाए कि कोर्ट के अंदर अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई हमारे हिंदू भाई का भी कोई कैदी हो, मतलब आपका कहना है कि उनकी जान बच जाती अगर उनको सही ढंग से इलाज मिलता, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट। माननीय न्यायालय, हम न्यायालय के ऊपर कहते हैं, क्योंकि जब सजा हो जाती है तो पैरोल भी मिलेगी, न्यायालय देगी, विचाराधीन में तो अपना सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब सजा हो जाती है तो माननीय न्यायालय देती है, और न्यायालय जो है अगर इसे इस चीज को भी गौर करे तो बड़े बड़े लोगों की जान बच सकती है। ठीक है, तो इनका कहना है कि एक बिना भेदभाव के किसी अपराधी के ऊपर अगर कोई मामला चल रहा हो या कोई केस चल रहा हो, उस समय ट्रायल चल रहा हो, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इन्होंने एक बात ये भी कही कि जब तक उनको ताउम्र जेल में ही बिताना था, लेकिन उनको पंजाब के रोपण जेल से उत्तर प्रदेश बुलाया गया, ट्रांसफ़र कराया गया, जेल में शिफ्ट कराया गया, तो क्या मान रहे हैं अगर यहाँ के जेल असुरक्षित थे क्या उनके लिए? पहले अपना नाम परिचय। मैं मुख्तार अहमद अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं ये बताइए, आप उनका सवाल मुझसे क्यों पूछे, मुझसे क्या जानना चाहते हैं आप, उस पर बात करें। ठीक है, काशी का जो मुस्लिम समाज है वो क्या सोचता है इस पूरे घटनाक्रम को लेके, जो कल रात से लेके अभी तक हो रहा है? भाई मुस्लिम समाज क्या सोचेगा, मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया, बात खत्म हो गई, कैसे हुआ, कौन किया, जांच हो, हम किसी पर शक करें या किसी पर उम्मीद करें, ये तो दोहरी नीति नहीं चलेगी ना भाई। कब से जेल में रहे, 2005 से रहे, उसके बावजूद 10-12 मुकदमे उनके पे हो गए। तो कहने का मतलब है कि आज से नहीं, जब से वो राजनीति में है, देखिए गरीबों का जो मदद करेगा, हमारे भारत का इतिहास रहा, आप मुगल भारत पढ़ लीजिए, प्राचीन भारत पढ़ लीजिए, मध्यकालीन भारत, जो गरीबों का, मजलूमों का जो साथ देगा उसके साथ यही होगा,
चाहे देवताओं में जाइए, चाहे मुसलमान सूफियों में जाइए, चाहे किसी और भी समाज में जाइए, वही स्थिति मुख्तार अंसारी की थी। और हमारे बनारस का मुसलमान मुख्तार अंसारी को अपराधी नहीं मानता, सामाजिक कार्यकर्ता मानता है। उन पर अपराध इसलिए हुआ कि जबरों ने गरीबों को मारा, उनकी उन्होंने मदद किया, उसका सजा वो भोगे, क्योंकि उस परिवार का इतिहास रहा। मुख्तार अहमद अंसारी ब्रिगेडियर थे, इसी हिंदुस्तान के थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हीं घर के थे। तो इसलिए ये कह देना किसी को कैसे मरे क्या मरे, देखिए हमारा ये इस पर ईमान है कि उनका जितने दिन का दाना पानी था दुनिया में वो अपना खाए और दुनिया से तशरीफ ले गए। कहना है कुल मिला के गरीबों के मसीहा थे और एक रॉबिनहुड। साथ साथ और बात जोड़ दें आपको कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी हो, वर्तमान समय में मुसलमानों के साथ कोई नहीं है, कोई अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। वो मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों को तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जिसे किसी भी खाने में तेज पत्ते को डाल दीजिए, मगर खाने से पहले निकाल के बाहर रख दीजिए। मैं अपने पसमानदा की तरफ से सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी आह्वान करूंगा कि अगर इन सभी लोग हमारे साथ नहीं है तो हम उनके साथ वोट में क्यों उनके साथ रहते हैं, जो हमारे सुख दुख में है। एक तो खुल्लम खुल्ला बात कर रहा, तो हम क्यों ना बुरे से बेहतर है कि अच्छे बुरा के यहाँ पास जाए। आज वैसी साहब पूरे देश में इनकलाबी बात करते हैं, कोई भड़काऊ बात नहीं करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, वसूल की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं। इसलिए हमको मुसलमानों को सतह जमीनी स्तर पर, राजनीति के स्तर पर दो जगह लड़ना होगा, एक अपने बीच के दलालों से लड़ना होगा और दूसरे असामाजिक लोगों से लड़ना होगा, क्योंकि आने वाली नस्लें अंधकार में जा रही है। हमें अपने नस्लों के लिए आगे आज से काम करना चाहिए और इन सभी राजनीतिक पार्टियों को लात से मार के ओवैसी को साथ देना चाहिए, वर्तमान समय में ये पसमानदा कहता है। ठीक है, इन्होंने बात जो की वो दो बातें की, एक तो मुख्तार अंसारी की जो मेज थी, जो काशी के मुसलमानों का जो इन्होंने नजरिया बताया, वो कहीं ना कहीं गरीबों का मसीहा रॉबिन हुड का था, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहीम रहम करने वाला। कुल्लो नफसिन जायकतुल मौत, हर आदमी को मौत का मजा चखना है, कोई आगे कोई बाद में। और मुख्तार अंसारी भारतीय कानून संविधान में विश्वास रखते थे, उन्होंने मुकदमा ट्रायल जो भी चलता रहा, पहले ही उन्होंने सिलेंडर करके जेल में आ गए, जिसका जिनका जो जो मुकदमा था, और जेल में जाने के बाद भी मुकदमा चलता रहा। और उन्होंने मदद सबसे ज़्यादा, उनके बाद तादाद उनके साथ अपने साथियों में हिंदू लोग थे, मुसलमानी जो मुसलमान किया जा रहा मुसलमान। जिस तरह से मुख्तार अंसारी को एक रॉबिन हुड के इमेज में लाया जा रहा है, आपके एक साथी ने जो अभी खड़े थे उन्होंने बताया, इससे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए, रॉबिन हुड कह रहे हैं तो मैं भी जानता हूँ, बहुत से गरीबों के घर के चूल्हे जलते थे, इसमें दो राय नहीं है। और कोई भी आदमी किसी भी आपराधिक छवि या जो का हो, हिंदुस्तान में अपराधियों और वीरों से हमेशा धरती भरी रही है और आगे भी रहेगी। जो अपराधियों का जो सबूत होगा उसका अंजाम उनको मिलेगा। कहने का मतलब है कि वो एक रॉबिन हुड की हैसियत रखते थे, इसमें दो राय नहीं है, इस बात की मैं भी तायद करता हूँ। और दुनिया सबसे बड़ी की बनारस से चुनाव लड़े और सेकंड अप रनअप रहे, तो जितनी बड़ी तादाद में जनता ने उनको दिया, और क्या कहा, मुसलमानों ने दिया, मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी से तो हार गए, वो थे उत्तरी विधानसभा से तो चुनाव हार गए थे, बाकी और विधानसभा चुनाव जीत के लीड कर गया था। कौन जीत, किसने वोट दिया था, कहीं ना कहीं कुछ उनका काम बोल रहा था ना, उनकी जो जनता के बीच सेवाएं थी वो ना बोल रही थी। कहा जाए कि जो बनारस का मुसलमान है पूरी संवेदना रख रहा है मुख्तार, संवेदना बिल्कुल रख रहा है, मुसलमान नहीं सब कोई रख रहा है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, और बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को भी अगर हर उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त किया जा रहा, तो ये भी होना चाहिए जो और अपराधी हैं उनके पर भी शिकंजा, क्योंकि इसके पहले एक बहुत बड़ा मुकदमा चला था त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश जी के, उनके उसमें मुकदमे में भी मुख्तार अंसारी गवाह थे, और शायद वो गवाही देते तो कुछ वो भी कुछ ना कुछ एक अंजाम आता। मगर आगे भी उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश की मार्ग को, शांति व्यवस्था को प्रस्तुत करना, तो सब माफियाओं के साथ एक ही रवैया बनाना चाहिए। इसी सवाल से आगे बढ़ते हैं, क्या माफियाओं के साथ, अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है? किसी को माननीय बना दिया जा रहा है, या उनके घर के कोई माननीय बनते चले आ रहे हैं, या तो फिर
जिसके साथ भेदभाव हो रहा है वो जेल की सलाखों के पीछे है, उनकी मौत हो जा रही है, उनके साथ अन्याय हो जा रहा है, ऐसा कहना है। देखिए ये तो आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है, जिसके साथ काना में भेदभाव तो हो ही रहा है और ये भेदभाव हो रहा है और आप सभी लोग देख रहे हैं। अब उनके उनके पीछे देखिए अब कानून है, अब कोर्ट है, कोर्ट इसकी जाँच करेगी। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? देखिए वो एक जनता के प्रतिनिधि है, या हिंदू मुस्लिम सभी उनको वोट दिए हैं। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा बनारस से और सभी लोग ने वोट दिया, हिंदू भी दिए, मुसलमान भी दिए, सभी लोग ने दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने भेदभाव दिया। और अपराधी का जहाँ रहते तो अपराधी का काम है तो भाई वो कोर्ट जानती है। लेकिन इसी बनारस की बात करें, चाहे रूंगटा बंधुओं के मर्डर की बात हो, चाहे फिर अवधेश राय के हत्याकांड की बात हो, यहीं से मुख्तार अंसारी कुछ दिनों पहले उनको आजीवन कारावास की सजा हुई, उनका आपराधिक इतिहास भी है। मुस्लिम समाज अगर कोई संवेदना रख रहा है, अगर उनको रॉबिन हुड कह रहा है, तो इन सब चीज़ों का भी क्यों नहीं संज्ञान लेके कुछ बोल रहा है? देखिए 18 साल से तो वो जेल में है, अब जेल के अंदर रह कर क्या नाम क्या हत्या करेगा, अभी क्या हत्या करेगा? और एक उनका केस चल रहा था कि जिसपे उनको एक गवाही देना रहा, उस गवाही के आधार पर क्या नाम उनके साथ एक बहुत बड़ी साजिश किया गया है, और उस साजिश के लिए ये कोर्ट उसके जांच करे और उसकी मांग करेंगे उनके। क्या वाकई में साजिश हुआ है, कुछ साजिश हुई है उनके साथ? बगैर बदले के भावना से कोई काम नहीं होता, साजिश तो हुई है, सरकार के इशारे पे हुई साजिश। क्या मान रहे हैं जो कई और अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके साथ माननी का तबका लगा है? के लिस्ट में एक ही अपराधी है, दो ही अपराधी है, बाकी सब भाजपा में चले आएंगे, वो दूध के धोए, कोई अपराधी नहीं। तो जो बनारस का मुसलमान है वो मुख्तार अंसारी के साथ खड़ा है? बनारस का मुसलमान सामाजिक है, सबके साथ खड़ा है, मुख्तार अंसारी के साथ नहीं खड़ा। मुख्तार अंसारी नेक इंसान थे, रमजान शरीफ में उनका इंतकाल हुआ। अगर बुरे इंसान होते तो रमजान शरीफ में इंतकाल नहीं होता। मुख्तार अंसारी का परिवार पूरा नेक था, सामाजिक था। ये तो इतने खुश नसीब है कि ऊपर वाले के करम से क्या ना उनको जन्नत नसीब हुई है रमजान के समय पे। तो ये है जी, रमजान में जो मरता है उसका सब गुनाह माफ हो जाता है। तो मतलब जितने भी उनके ऊपर अगर जितने भी आरोप थे गुनाह किया, अल्लाह पाक उसका इम्तिहान लेता है ना, अल्लाह पाक माफ कर देता है उनसे ऊपर। हाँ ऊपर वाले, हाँ ऊपर वाले, दुनिया की कोई ताकत है, दुनिया वाले से कोई लेना देना नहीं। तो ये हैं बनारस के वो मुसलमान जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और रमजान के पाक महीने में हुई है और उनको जन्नत नसीब होगी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, उनकी छवि एक रॉबिन हुड वाली थी। बनारस से भी वो चुनाव लड़े हैं और जनप्रतिनिधि भी रहते हुए उन्होंने काफ़ी मदद की, और बनारस का मुस्लिम समाज मुख्तार अंसारी के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़े होते नज़र आ रहा है। और अभी लोग बराबर इस बात पे सामने आ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी रहनुमा थे, गरीबों के साथ खड़े होते रहे और उनकी छवि रॉबिन हुड की थी, और बनारस का मुसलमान मुख्तार अंसारी के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ा है।